आर टोटली ब्लॉकिंग अवर विजिट. राहुल जी विजिट अभी बंद करा है, ब्लॉक करा है, वो जो पुलिस ने ब्लॉक करा है. एसपी अभी देखा है, सारे एसपी है वो. मणिपुर दो महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं. I always say Rahul and responsibility never travel together. He has again proved. They are totally blocking our visit. Rahul ji's visit अभी बंद कर रहा है. जो जनता लोग ने नहीं, पर जनता लोग को वो जो वेलकम कर रहा है अभी. सारे रोड साइड में जनता लोग वेलकम कर रहा है राहुल जी का विजिट. सारे जो अभी वो जो ब्लॉक कर रहा है, वो जो पुलिस ने ब्लॉक कर रहा है. एसपी अभी देखा है, सारे एसपी है वो. एडीएम है वो, सारे एडीएम डीसी बिशनपुर एंड एसपी and the OCs of Bishampur, they are blocking. मणिपुर इस देश का हिस्सा है, दो महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है. कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है. तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है. तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है. राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो दो महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं. उनको रोकना पाप है, और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? तो क्या हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा. राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया, एक रिक्वेस्ट किया गया. सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चूड़ाचांदपुर जाना चाहते हैं, रिलीफ कैंप विजिट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं. मगर सड़कों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उतारू हैं. हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहां की सेंसिबिलिटी के लिए, जो सेंसिटिव सिचुएशन है, तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चूड़ाचांदपुर जाएं. और मैं आपको बता दूं, माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी जब दौरे पर गए थे मणिपुर में, तो उन्होंने वहां जायजा लेने के पश्चात एक हेलीकॉप्टर सर्विस 3 स्थानों पर चालू किया था, चूड़ाचांदपुर जाने और आने के लिए, मोरे जाने और आने के लिए, और कांगपोपी जिला जाने और आने के लिए. माननीय अमित जी के निर्देश अनुसार वहां चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की गई थी. मात्र 2,500 रुपए कीमत है, 2,500 रुपीज पेमेंट करने पर आप चूड़ाचांदपुर जा सकते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन ने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, आप एक पर्चा कटाइए और प्लीज यू टेक द हेलीकॉप्टर टू चूड़ाचांदपुर. और अब राहुल जी के काफिले को बिश्नुपुर में एक स्थान है, विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ, तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं.
यही अगर राहुल जी सुबह करते, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते, हेलीकॉप्टर से चुड़ाचांदपुर जाते, तो आज मणिपुर, आज जो टियर गैस चले हैं, आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इम्फाल में बना है, ये मणिपुर में नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वॉज हाईली इररेस्पॉन्सिबल। आई ऑलवेज से राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर ट्रेवल टूगेदर। ही हैज अगेन प्रूव्ड द सेम टूडे। ही शुड हैव बीन मोर रेस्पॉन्सिबल, मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द इशू ऑफ मणिपुर।